हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पढ़ लिए हैं। हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। मतलब देखिए, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आपका बीजेटी ट्रांजिस्टर है, और इसमें दो सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ प्लस वीसीसी और यहाँ माइनस वीई। मतलब कलेक्टर टर्मिनल पे प्लस वीसी सप्लाई दिया जा रहा है, एमिटर टर्मिनल पे माइनस वीई सप्लाई दिया जा रहा है। और इस बायसिंग में हमें कैलकुलेट करना है आईबी, आईसी, वीसी, वीसी, बीई, बीबी, ये सारे टर्म कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें आईबी कैलकुलेट करना है, आईसी कैलकुलेट करना है, वीसी कैलकुलेट करना है, वीसी और बीई और बीबी। ठीक है, बायसिंग क्या होती है, कैसे होती है, सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमें ये सारे टर्म कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर एसी एनालिसिस के लिए होता है, डीसी के लिए वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर देता है। हम ऑलरेडी इस सर्किट में से कैपेसिटर रिमूव कर दिए, हटा दिए हैं, ठीक है। अब हमें आईबी और आईसी कैलकुलेट करना है। ये सारे टर्म दिया होगा, वीसीसी दिया होगा, आर वन दिया होगा, आर टू दिया होगा, आरसी दिया होगा, आरई दिया होगा, बीटा गिवन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इनपुट केवीएल से आईबी कैलकुलेट करने चलेंगे। पहले ट्रांजिस्टर को देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारा बेस है और ये क्या है, कलेक्टर है, ये क्या है, एमीटर है। इतना तो आपको क्लियर होगा, ऑलरेडी आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पता होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, और ये बीबीई एक रास 0.7 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज वीटीएच आएगा या कुछ भी आएगा, वो बीबीई की वैल्यू 0.7 से ज्यादा होगा, तभी ये ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तभी ये ट्रांजिस्टर प्रॉपर एक्टिव रीजन में होगा, तभी वर्क करेगा, ठीक है। बेसिकली बायसिंग की रिक्वायरमेंट क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए होती है, ठीक है। तो आगे उस पर पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना समझते हैं कि ये सारे टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सर्किट को चेंज किए, ये सेम सर्किट को नीचे बनाए। क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हम इसमें इनपुट केवीएल नहीं लगा पाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये आर वन एंड आर टू, यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। देखिए R1 एंड R2 में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बोलते हैं। और TS क्यों, मतलब टू सप्लाई, टू सप्लाई मतलब प्लस VCC और माइनस VE, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो बेसिकली हम ये R2 के अक्रॉस हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर्किट को। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाए, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट में मींस ये देखिए, इस पूरे पार्ट को इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका पूरे सर्किट को देखो, इस तरह से हमने बना दिया। इस रेजिस्टेंस R1 को कितना चाहिए, VCC, तो R1 को हमने VCC दे दिया। R2 रेजिस्टेंस को कितना चाहिए, माइनस VE, तो हमने माइनस VE दे दिया। तो ये सर्किट हो गई। अब इस पूरे सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट से सिंप्लीफाई करेंगे, और ये पूरे इसको पूरा ट्रांजिस्टर और RC, RE और VCC, इस पूरे टर्म को मैं एक लोड मान लूंगा। तो लोड को मैं क्या कर दूंगा, ओपन सर्किट। तो मैंने लोड को हटा दिया, देखिए ध्यान दीजिए। तो R2 रेजिस्टेंस को क्या चाहिए था, माइनस VE, तो मैंने माइनस प्लस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसको सप्लाई दे दिया माइनस VE। और ये R1 रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, इसको सप्लाई कितना चाहिए, VCC, तो मैंने दे दिया। अब देखिए ये ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में नेटवर्क में पढ़ चुके हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो VTH मुझे कैलकुलेट करना है, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही VTH होगा। इट मींस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा प्लस ये वोल्टेज क्या होगा, VTH के इक्वल होगा। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट ये लगा दिया कि इस लूप में करंट कितनी होगी, तो ये करंट कितनी होगी, VCC प्लस VE और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस लूप में करंट मिल गई मुझे, वही करंट इसमें भी होगी, तो ये करंट मल्टीप्लाई ये रेजिस्टेंस कर दिया, तो ये टोटल आपका वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस का। और यहाँ का ऑलरेडी वोल्टेज कितना है, माइनस VE, तो ये टोटल VTH मुझे मिल गया। और RTH कैलकुलेट करने के लिए यहां से ये देखिए, ये दोनों सप्लाई आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। RTH इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2, तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके मैंने VTH एंड RTH कैलकुलेट कर लिया। RTH इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, एंड VTH हो गया VCC R2 डिवाइड माइनस VE R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब इस
पूरे सर्किट के, जब मुझे VTH मिल गया और RTH मिल गया, उसको सिंप्लीफाई करके देखिए सर्किट बना लिया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पूरी सर्किट थी, इस पूरे सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर दिया, इस पूरे सर्किट पे ये इनपुट पे, ये देखिए इस पे मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट अप्लाई करके इसको सिंपल VTH और RTH में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सर्किट बन गई। अब इसमें देखो इनपुट केबीएल है, आप लोग जानते हैं ये बेस टर्मिनल है और ये क्या है, एमीटर टर्मिनल है, ये क्या है, कलेक्टर टर्मिनल। इसमें करंट कौन सी होगी, बेस करंट IB, और इसमें करंट कौन सी होगी, IC, और इसमें करंट कौन सी होगी, IE। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है या किसी भी ट्रांजिस्टर में हमेशा वैलिड है IE = IB + IC। ये सभी लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुके हैं कि IE = क्या होता है, IB + IC, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे इस जंक्शन पे अगर आप KCL अप्लाई करें तो ये देखिए ये वैलिड है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है IE = IB + IC। तो ये इनपुट KBL, सबसे पहले मैं इनपुट KBL अप्लाई किया, तो इनपुट KBL अप्लाई किया एट द इनपुट KBL, ये देखिए इनपुट KBL मैं अप्लाई किया, इनपुट KBL में तो लो से हायर जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं VTH, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं -IB × RTH, और देखिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये नहीं भूलना है, ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VBE होगा, ये ऑलरेडी सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपका किसका ट्रांजिस्टर दिया है, तो आप यूज करेंगे लोअर से हायर जा रहे हैं VTH - IB × RTH, हायर से लोअर जा रहे हैं -BB - IE × RE, और यहाँ पे -+VEE, तो ये इक्वेशन मैंने लगा दिया। अब यहां से मुझे आईबी कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो इस पूरे टर्म में मुझे देख रहा आई को मुझे चेंज करना पड़ेगा, आई को मैंने क्या लिख दिया, आई को मैं लिख दिया β+1 × IB, क्योंकि आप लोग जानते हैं IE = क्या होता है, β+1 × IB, तो पूरे टर्म में आईबी आ गया, तो IB = आ गया VTH + VE - BB / RTH + β+1 × RE। तो आईसी को आप देखो हमें आईबी मिल गया, हमारा पहला टर्म कैलकुलेट हो गया आईबी, अगला टर्म कैलकुलेट करना है आईसी। बीटा गिवन है, देखिए इस ट्रांजिस्टर का बीटा गिवन है, मतलब करंट गेन गिवन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर देखिए कॉमन इनपुट आउटपुट में है, तो इसलिए इसका बीटा गिवन है, तो बीटा गिवन है तो इससे हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे आईसी, IC = क्या होगा, β × IB, IB हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, और भाई VTH ऑलरेडी यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, VE आपको गिवन है, BB = 0.7 वोल्ट, RTH आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बीटा गिवन है, RE गिवन है, तो इसलिए IB मिल जाएगा। IB मिलते ही IC × β × IB कर देंगे तो IC मिल जाएगा। अब एट द आउटपुट KBL अप्लाई करेंगे, आउटपुट KBL ये देखिए आउटपुट KBL पे यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, VCC - IC × RC, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज +-VCE, तो +-VCE - IE × RE, और +VE = 0, तो ये KBL अप्लाई करके ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए VCE हमें कैलकुलेट करना है, VCC गिवन है, VE गिवन है, आई ऊपर कैलकुलेट कर लिए हम β+1 × IB से, IC भी कैलकुलेट कर लिए हैं, तो ये दोनों से इसमें कोई भी अननोन नहीं है, सब नोन है, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, VCE कैलकुलेट हो गया। अब VCE को ब्रेक कर देंगे, VC - VE, पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं आप लोग, B12 = हम जैसे लिखते हैं B12 इंटरमीडिएट में लिखते थे, तो इसको कैसे लिखते थे, B1 - B2, तो सेम वही प्रिंसिपल हमने यहां किया कि पोटेंशियल डिफरेंस है VC - VE, VC इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरह से आप ले VC, अब देखो VC तो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर लिए, VC हमें फाइंड आउट करना है, VE क्या होगा, VE अब देखिए ये मेन VE देखना है, VE यहाँ का वोल्टेज है, VE वोल्टेज IE × RE नहीं होगा, ध्यान रखिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सप्लाई गिवन है -VE, तो इसके कारण भी वोल्टेज आएगा, तो पूरा ड्रॉप होगा, तो हमने यहाँ से KVL लगा दिया VE - IE × RE + VEE, तो हमने लिख दिया IE × RE + ये वोल्टेज, तो आपका VE मिल गया, IE आपको पता ही है, RE भी पता है, VE भी है, तो यहाँ से टोटल वोल्टेज VE मिल गया, यहाँ पुट कर दीजिए तो VC मिल जाएगा, इसलिए VE भी फाइंड आउट हो गया, VC भी फाइंड आउट है, सिमिलरली BB = BB - VE कर देंगे तो इसलिए BB भी फाइंड आउट हो गया, तो इस तरह सारे टर्म हमें कैलकुलेट कर ले। तो बायसिंग का कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले उसमें आप इनपुट KVL लगाइए, इनपुट KVL लगा के आप IB निकालिए, IB निकालने के बाद बीटा दिया है तो बीटा से आप क्या निकालिए, IC निकालिए, IC निकालने के बाद आपको आउटपुट KVL लगाना है, आउटपुट KVL लगाने के बाद सिंपल वहां से VC निकाल लेना है, VC को फिर ब्रेक कर देना, VC - VE, VC को ब्रेक करने के बाद VE की वैल्यू देखना, अगर वो जीरो है या VE = IE × RE या कोई वोल्टेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है।
ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर, कौन सी बायोस्टिंग ज्यादा स्टेबल होती है, आगे उस पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज थर्मल रनवे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो थर्मल रनवे एंड स्टेबिलिटी होगा। थैंक यू।